कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जुलाना के गांव श्यामलो कला पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि प्रदेश की सरकार कर्मचारियों व सरपंचों पर लाठी चार्ज करके उनका अपमान करने का काम कर रही है, लेकिन समय आने पर प्रदेश की जनता खासकर कर्मचारी और सरपंच लाठी चार्ज का जवाब देने का काम करेंगे। खिलाड़ियों के शोषण का आरोप लग रहा है तो अब पंचायत का जो के मंत्री जो है वो सरपंचों को अलग अलग जो है उनके लिए शब्द इस्तेमाल करके सरपंचों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तो पूरे हरियाणा वासियों को अपमानित करने का काम करते हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो मैं समझता हूँ कि जिस वर्ग का जो मंत्री के जिस मंत्रालय के अंतर्गत जो वर्ग आता है उस मंत्री की लगता है ड्यूटी लगती है कि भाई इस वर्ग के का काम तो करने ही नहीं करना है लेकिन उनका अपमान भी करना है। जैसे पहले किसानों को और सरकारें अपमान से नहीं चलती, सरकार मान सम्मान से चलती है, किसानें अपमान से नहीं चलती। जैसे संजय तिरंगाधारी की रिपोर्ट।